वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी सोनी। और आज क्रेजी सोनी आप सबके लिए लाई है सिंपल एंड डिलीशियस चिकन करी। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन सकती है, आप इसे घर में जरूर 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 ट्राई कीजिए। और ये सिंपल के साथ साथ बहुत टेस्टी भी होगी। मैंने यहाँ पे अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ रख लिया है। मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है, 4 मीडियम साइज़ के अनियंस को कट कर लिया है, 2 बड़े टमाटर्स को भी कट कर लिया और 3 ग्रीन चिलीज़ को भी। और मैंने यहाँ पे सारे मसाले भी निकाल दिए हैं। मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, खड़े मसाले लिए हैं 1 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, रेड मिर्ची पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है, गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। ये मैंने चिकन मसाला लिया है और ये सॉल्ट टू टेस्ट मैंने यहाँ पे नमक लिया है। और मैंने ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी बना लिया है। और मैंने यहाँ पे जो जैसे मैं बनाऊंगी मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले लिया है। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दी है और मैं ये कुकर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ 3 टेबलस्पून। अब इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब तब तक ये गर्म होता है, इसे थोड़ा हिला लीजिए। जैसे ये गर्म हो जाएगा हम इसमें जीरा डाल देंगे और खड़े मसाले भी। ये थोड़ा ब्राउन हो गया है जीरा भी। अब हम इसमें जो हमने अनियन कट करे थे वो भी ऐड कर देते हैं। और मैंने इसमें अनियन को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और हम इसे तब तक पकाएंगे तब तक ये अनियन को हाई फ्लेम पे पका लें 2 से 3 मिनट्स। तब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। आप देखिए इसका कलर चेंज होने भी लगा है। तो अभी हम इसे थोड़ी देर 2 मिनट तक पकने देते हैं अच्छे से। हमारे प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ हम इसे ऐड कर देंगे प्याज के साथ अच्छे से। अब हम इसे यहाँ 3 से 4 मिनट के लिए और पकने देते हैं। और ये इसके साथ अच्छे से मिक्स हो गया। जिंजर गार्लिक पेस्ट पक चुका है अच्छे से, प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें टमाटर और ग्रीन चिलीज ऐड कर देते हैं। इसे भी इसके साथ मिक्स कर देते हैं। और अगर आपको टमाटो को थोड़ा जल्दी पकाना है तो आप इसमें नमक डाल दीजिए, इससे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हम इसे तब तक पकाना है तब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं होते। फाइव मिनट्स बाद मेरे टमाटर यहाँ पे अच्छे से गल चुका है, सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे हल्दी के साथ मिक्स कर देती हूँ। अब इसे थोड़ी सी देर के साथ 1 मिनट तक ऐसे भूनने देती हूँ हल्दी के साथ। मैं अपना जो चिकन मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था वो मैं ऐड कर देती हूँ। इसे इसके साथ अच्छे से पूरा मिक्स कर दो जिससे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये अच्छे से भुने इसके साथ तो पूरा ये हमें अच्छा सा फ्लेवर दे। अब हम इसे 5 से 10 मिनट्स ऐसे ही भुनने देते हैं चिकन के साथ मसालों को। और हम इसके साथ साथ यहाँ पे अब रेड मिर्ची पाउडर और कोरिएंडर पाउडर मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा नमक। अच्छे से आप इसे मिक्स करके इसके साथ अब इसे हम अच्छे से यहाँ पे 5 मिनट तक भूनने देते हैं और हम थोड़ा सा इसमें वाटर भी ऐड कर देंगे। अभी मैं इसमें अभी 1/2 कप वाटर ऐड कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से 10 मिनट तक पका लें। देख लेते हैं हमारा चिकन सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। मैंने इसे 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे बनाया है। अब आप लोग चेक भी कर लीजिए आपका जो चिकन है वो सॉफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना इजीली ये ब्रेक हो जा रहा है और कितना देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं और चिकन मसाला और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि इसमें नमक कम है। अब ये सब डाल के आप इसे अच्छे से फिर से घुमा दीजिए, चला दीजिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। यही आपके 1 कप पानी का ऐड कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से इसकी करी बना सकते हैं। आपको जैसी करी पसंद है या फिर थोड़ा आप इसे सूखा खाना चाहते हैं ऐसे ही, तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और थोड़ा अगर ग्रेवी चाहते हैं मेरी तरह तो और थोड़ा सा 1 कप और पानी इसमें ऐड कर दीजिए। अब हम इसे 10 से 15 मिनट और पकने देते हैं अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। और मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुकर लिया है, लेकिन आप इसके जगह यहाँ पे कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब हम इसे देखेंगे आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। आपको दिखाती हूँ हमारी चिकन करी 10 मिनट बाद। मैंने आपको बोला था हम चेक करते हैं देखो इसका कितना सुंदर कलर आ रहा है उसमें। अब 2-3 हरी मिर्ची ऐड कर देती हूँ, उससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। और जिसको मेरी तरह थोड़ा तीखा पसंद है वो ऐड कर सकता है। अब ये तैयार है और अब मैं यहाँ पे गैस को बंद कर देती हूँ और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और आप देख रहे हो कि अभी मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकती थी, बट आज मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं किया। तो आप लोग इसमें ऊपर से हरा धनिया भी ऐड कीजिए, उससे और अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसे गर्मा गर्म आपको सर्व करते हैं। मैंने ये गर्मा गर्म अभी सर्व कर दिया और आप लोग देख सकते हैं दिखने में कितना सिंपल भी है, टेस्टी भी है और यमी भी है। और मैंने आप सबने देखा कि मैंने इसमें कितने कम मसाले यूज़ किए हैं और कितना कम ऑयल यूज़ किया है, इसलिए ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप सब लोग इसे घर में पक्का ट्राई करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपीज़ के लिए आप अपना जो बेल आइकन है उसे टर्न ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाले फ्यूचर वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन आए। और अभी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। और आप मुझे बताइए कि आपके अगर कोई सजेशंस हैं, कुछ है कि मुझे क्या ऐड ऑन करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए वो भी आप मुझे बताइए। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।